दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ, आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और आज मैं इसी सब्जी के बारे में बता रही हूँ ना, क्या बताऊँ, देख सकते हैं ये जो अदौरी बोलता है ना, ये दाल का बनता है, छोटे छोटे करके पीस के और इसको सुखाते हैं, आप सब देख सकते हैं। दोस्तों ये भून के मैं रखा हूँ, इसको तेल में मतलब थोड़ा सा फ्राई करके इसको रखा हूँ, देख सकते हैं थोड़ा सा। और ये नेनुआ है दोस्तों, ये नेनुआ मतलब जो ये देख सकते हैं, तो इसको ऐसा ऐसा काटो। ये नेनुआ होते हैं ना जो, जिसको घेवरा बोलते हैं, देहात में घेवरा बोलते हैं और शहर में नेनुआ बोलते हैं। तो इसको मैंने कट करके रखा हूँ। और इसमें मिर्चा और प्याज और तेल, अब इसको मैं क्या करूँगी, इसको भूनूंगी। दोस्तों आज मैं शहर का आगे देहात में किस टाइप का सब्जी बनता है, अगर सब्जी कुछ ना हो तो क्या क्या डाल के भी सब्जी बना लेते हैं यहाँ पर लोग, मुझे तो हंसी भी आता है। अब देख सकते हो मेरे घर पर, सच पूछो ना दोस्तों, तो आप सबसे मैं कुछ नहीं छुपाता। सबसे पहले आज मेरे घर पर सब्जी नहीं थी, ठीक है, तो मेरी सासू माँ ने बोली कि ये इतना आलू ज़्यादा कटाया है, एक तो नेनुआ बचा था, एक नेनुआ और बाकी का थोड़ा सा अदौरी था। तो देख सकते मैंने ये आलू इसमें डाला। अब ये अभी नहीं डालेंगे दोस्तों, इसको भी अलग रख लेती हूँ, ठीक है। और इसके बाद में ये नेनुआ को भी दूंगी, देहात में जो होंगे उसके लिए सॉरी, क्योंकि वो उसको मतलब घेरा बोलते हैं, और जो शहर में उसके लिए सॉरी, क्योंकि वो इसको नेनुआ बोलते हैं। आप देख सकते हैं मैं सबको इस दोनों का एक बार मतलब घूमूँगी, ठीक है। आप सब देख सकते हैं इसको मैंने चला दिया। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी खुशी दोस्त की वीडियो अच्छी लगती है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमसे रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए देख सकते हैं अभी बना रही हूँ सब्जी। और इसको दोस्तों अब इसको रख लेंगे, इसको मतलब ये हो जाएगा ना, उसके बाद करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में आप सब बने रहिए। और दोस्तों पता है क्या हुआ है, हमारे घर तो मतलब सब्जी अभी नहीं थी, मतलब आज नहीं थी मतलब, ठीक है। तो हमने बोला मम्मी सब्जी क्या बनेगी, तो मम्मी ने बोली आलू बना लो। मैंने कहा सिर्फ आलू ही बनेगा, तो बोला ये डाल लो अदौरी, फिर जाकर फिर उसको एक घेवरा, मेरा एक नेनुआ, शहर के है तो नेनुआ और देहात के तो घेवरा, जो भी आप जिसको बोलते हैं वो, तो वो ठीक है। और अभी आलू और नेनुआ भूज रही हूँ, मैं भून रही हूँ, और ये भूजा जाएगा ना दोस्तों, जिसको थोड़ी देर के लिए मैं ढक दूँ, फिर अच्छे से भून जाए, है ना, ठीक है। और दोस्तों मैं बहुत दिन से भी मतलब कुकिंग का वीडियो नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत ही मतलब वो रहती थी, बिजी रहती थी, बाबू पसंद करता था लेकर के ऐसे उसे, तो कुछ दिन तक दोस्तों बाबू उधर पे खेल रही दोस्तों, इसको मैंने उधर पे बैठाया है मिट्टी में, तो कौन दोस्तों आप सबको बाबू को भी दिखाऊंगी। और फिलहाल मैं इसको मैं भूज रही हूँ। तो दोस्तों आप सबको भी मतलब ऐसा हो अगर ये तो जैसा ये होता है ना दोस्तों, ये इसका भी सब्जी ना उतना मुझे पसंद नहीं, लेकिन तभी भी ठीक लगता है। अगर आप सब चाहो ना तो इसको मतलब ऐसा होगा, तो आप चाहो तो आलू डाल के बना सकते हैं। अगर आलू तो आलू डाल के भी अच्छा लगता है, सिर्फ ये और आलू और प्याज और मिर्चा ये सब का फ़ौरन डाल के ये अच्छा लगता है। तो इसको पहले तेल में फ्राई करके निकाल लेना पड़ता है, और उसके बाद में उस जैसे ये भूज रहे आलू उस तरह वो भी भूजना रहता है, आलू भूज के और साला मसाला डाल के उसके बाद ये डालना पड़ता है, उसके बाद वो करना है। तो अभी तो मैं इसको क्या करूँगी तो आप सबको बताऊँगी। और दोस्तों सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि मैं कुकिंग की वीडियो नहीं बना पा रही थी, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, कोशिश करूँगी कि आप लोगों को ज़्यादा दिन पे नहीं तो एक दो दिन पे कुकिंग का वीडियो आप लोगों को दूंगी, क्योंकि आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो मैं क्या करती हूँ क्या नहीं सब आप सबको शेयर करना बहुत ज़रूरी हमारे लिए, क्योंकि आप जो भी कुछ है सब आप सब है मेरे लिए। तो कोई ना दोस्तों, इतने दिन मतलब कुकिंग का वीडियो नहीं बनाया इसके लिए सॉरी। दोस्तों मेरे कुकिंग में उतना खास नहीं रहता है, लेकिन जो रहता है वो रियल है, क्योंकि दोस्तों मैं सबसे पहली बात तो दोस्तों मेरे पास कोई बनावट वीडियो नहीं रहता है, जो मैं हूँ वो बस आप सबके सामने, आप मेरी फैमिली है, आप मेरे सब कुछ है, आप सबसे क्या छुपाना है ना दोस्तों। तो दोस्तों इसको मैं इसको मैं इतना चला दूँ, अच्छे से एक दो बार इसको ढक देंगे ना, उसके बाद ये अच्छे से भून जाएगा, ठीक है। इसमें आलू एक दो रह गया है,
इसको मैं भी इसमें डाल दूँगी, इसको देख सकते हैं। और इसको मिट्टी डांस करेंगे ताकि जल्दी ये भूम जाए। और ये जो बोलते हैं ना दोस्तों गैया होता है ना, गैया उसी का उसी का ये है। इस पे हम लोगों का खाना बनता है। और इधर पे ये लकड़ी होता है ना, इस पे भी बनता है। ठीक है, जब मैंने कभी अपने मम्मी पापा के पास इतने ना टंकी करते थे, इतने हाई फाई रहते थे ना, उसी का मुझे वो मिल रहा है, मिल नहीं रहा है शायद मेरे मम्मी पापा को मर्जी से हुआ था तो इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता। लेकिन कोई ना, गलती खुद के खुद भोगना पड़ेगा, है ना। कोई ना दोस्तों, अगर आप सब सपोर्ट कीजिएगा तो एक दिन के लिए अच्छा हो जाएगा। बस आप सब मेरे इतने प्यारे अच्छे वाले दोस्त मेरे साथ हैं ना, तो बस यही मेरे लिए बहुत है। ठीक है ना, क्या करें दोस्तों। मैं भी कभी सोचती थी मैं भी एक एक्ट्रेस बनूंगी बहुत बड़ा, जो मैं किधर भी जाऊंगी तो मेरा नाम हो, लोग कहे कि मैं खुशी जी एक पिक मुझे खींचना है क्या मेरा सपना था दोस्तों, क्या मेरी मम्मी को भी चाहती थी कि मेरी बेटी एक्ट्रेस बने। दोस्तों दो मूवी मेरी, मतलब एक मूवी उदंग रिलीज हुई, दूसरा उसका ट्रेलर रिलीज हुआ दिल दीवाना का, आप देख सकते हो। उसमें दोस्तों मेरा थोड़ा सा रोल है क्योंकि मैं उस वक्त नहीं थी। और दिल और भोजपुरी मूवी है जो ये उदंग भोजपुरी मूवी है, उसमें दोस्तों मैं मेन लीड की, दो मतलब एक्टर है और मैं एक एक्ट्रेस, तो जैसे कि वो हीरो है वो दो है और मैं हीरोइन, मैं भी दो, लेकिन दोनों हीरो मुझ पर मरता है ऐसा मूवी है। आप सब शायद देखे होंगे, जो नहीं देखे होंगे तो आप सब जाइए देख लीजिए। मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं एक अच्छा एक्ट्रेस बनूँ, मतलब मेरा मन था और मेरा सपना था। मैंने माँ पापा से बोला, अपने मम्मी पापा से, तो मेरी मम्मी पापा बोली ठीक है तुम्हारी जो मर्जी मैं तुमको कराऊँगी। तो दोस्तों मेरे मम्मी पापा फुल सपोर्ट दे रहे थे। फिर कुछ मूवियों में काम भी किया, और जब मेरे हस्बैंड मेरे लाइफ में आया, जैसे मेरी ज़िंदगी ही बेकार सी बन गई। उसने बोला तुमको शादी करने के बाद भी तुमको सारा काम कराऊंगी, जैसे कि गाना मूवी सब में काम कराऊंगी, लेकिन ये सब कुछ भी नहीं हुआ, घर के काम में ही वो रहती है। और दोस्तों लोग मुझे इनलिए भी सपोर्ट नहीं करता है कि ये लोग जानते थे मैं हीरोइन हूँ। दोस्तों घर में काम करूँगी तो मैं हीरोइन का पैसा थोड़ा मिलेगा, और पैसा नहीं मिलता तो इसी में भी कोई अच्छे से बात नहीं करते, आप समझ सकते हैं। और दोस्तों मैं एक साल दो साल सोशल मीडिया से दूर रहे ना, मेरा दिल जानता है कि मैं कितनी रोई हूँ और कितनी कष्ट उठाई हूँ ना दोस्तों। आप लोग को भी जितना मैं दिखा रही हूँ इतना में लग रहा है कि इतना ज़्यादा है। दोस्तों जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, दो महीना मेरे बाबू, जिस दिन आज कल मेरे बाबू होने वाला ना, मैंने इतना रोटी बनाया था, इतना आप बिलीव नहीं करेंगे। और मेरे बाबू होने का था और पेन हो रहा था, आखिर भी मैंने रोटी बनाया इतना सारा, इतना बिलीव नहीं करेंगे। लेकिन वो दिन भी एक दिन था जो आप सबसे शायद नहीं जुड़े थे, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला के बाद मेरे पति बच्चे के अलावा आप सब मुझसे जुड़ गए, आप सब मेरे साथ हैं। बस इसी यही तो मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा कीमती आप दोस्तों, आप सब बिलीव नहीं कर पाओगे ना। आप ही एक जरिया होना जिसे मैं कुछ कह सकती हूँ अपने दिल की बात, बाकी यहाँ पर तो कोई मेरी बात सुनते नहीं है। कितना भी रोलो, कितना भी कुछ कर लो, कितना भी मतलब टाइम लो, इस लोग कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए मैं भी किसी की बेटी हूँ, दिल मेरे पास भी है, दर्द मुझे भी होता है, पर ये लोग क्या जाने किसी के। देख सकते दोस्तों मैंने इस पर एक बार चला दिया, पता नहीं दोस्तों आप सबसे कहते कि पता नहीं कितने दिल की बात कहते, तो मुझे खुद ही पता नहीं होता। ऐसा लगता है ना आप सब मेरे साथ में बैठे हो और आप सब मुझसे पूछ रहे हो और मैं आप सबको बता रही हूँ। तो कोई ना दोस्तों, मैंने ज़्यादा बोल दी, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। दोस्तों आप ही हो जिसे मैं अपने दिल की कुछ बातें शेयर कर सकूँ। अब देख सकते हो ये इसके लिए ये अभी सीख गया है, अभी ये समझ लो दोस्तों ये बुझा गया है, ठीक है, इसको भून गया है। अब इसको मसाला डालेंगे, देख सकते हैं। बस कोई ना दोस्तों, बस आप सब मुझे, आप सब इस प्लेटफॉर्म पे भी, आप यूट्यूब पे भी आप सब मुझे सपोर्ट कीजिएगा ना, तो शायद किसी के मतलब किसी के आगे मुझे या कोई मुझे
दोस्तों हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं उन लोगों से बोलती हूँ हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमसे अच्छे से बात कीजिए, प्रेम से रहिए, इतने ही मेरे लिए बहुत। मैं सब कुछ करती ही हूँ और आगे भी करूँगी, लेकिन मुझे अच्छे से बोलिए, अच्छे से रहिए। लेकिन कोई बात नहीं है, मतलब मैरिज बहुत लोग करते हैं, शायद बहुत लोग खुश भी है, लेकिन मैं ही इतनी बदसूरत हूँ शायद, या बदकिस्मत हूँ जो शायद मैं खुश नहीं रह पाती। कोई ना दोस्तों, आप सब सपोर्ट कीजिए, मेरे पति बहुत जल्दी आने वाले हैं और वो आ जाएंगे। दोस्तों देखिए, मैं काम कितनी भी करूँ और मेरे पति सामने रहता है ना, मतलब चाहे जो भी है, कैसे आदमी से भी शादी हो, बस वो सामने रहता है ना, तो थोड़ी सी दिल को सुकून मिलती है। दोस्तों देखो, अब वो रहता था तो कुछ होता था, तो मैं किधर रोने, किधर भी जाके कुछ बोलता मेरे को कुछ भी, तो मैं जाके रो ना, तो कम से कम वो उम्र को चुप कराता था कुछ भी, है ना दोस्तों। लेकिन कोई ना दोस्तों, आप सबके सामने तो मैं इतना वो नहीं करती, कितनी भी कष्ट होती है दिखाती नहीं, लेकिन बस बताती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती जो मेरे दोस्त वो मुझे देख के ज़्यादा इमोशनल हो। एक दो बनाई हूँ, वो मेरी पति गई थी, मतलब गया था बाहर जब बनाई थी, तो सच में दोस्तों मुझे बहुत रोना आ रहा था, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, उसके पास थोड़ी देर हमारे हस्बैंड के पास कुछ करती थी ना, और 30-40 ऐसा कुछ करती थे, मतलब जो हम यहाँ पर रहते थे ना, तो सरफ हो गया, साबुन हो गया, या कुछ भी हो गया, मतलब ऐसा वैसा 4-5 महीने रहे दोस्तों, तो मतलब किसी किसी से ले कर पैसा काम करता था, तो 20-25 ऐसा कुछ बता रहा था वो, और 3,000 रुपया मुझे देकर गए थे वो, बाकी ख़त्म हो गया। अभी तो दोस्तों मेरे पास 1 रुपया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको मतलब नहीं कहती हूँ कुछ भी, मैं घर में जो रहता है खाती पीती हूँ। तो कोई ना दोस्तों, आप सब सपोर्ट कीजिएगा, तो एक दिन मैं भी अच्छी खासी हो जाऊँगी। दोस्तों आप सबसे कुछ ज़्यादा थोड़ी ना मांग रही, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि आगे जाए उन लोगों से भी कुछ थोड़ी सी प्यार मिले, और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। अगर आप सब दे सकते हैं ना, तो थोड़ी सी प्यार दीजिए। और दोस्तों इसमें देख सकते हैं, अभी भूल गया ना, इसमें क्या डालेंगे, मसाला डालेंगे, ठीक है दोस्तों। आप सबसे बात करते करते ना मुझे पता ही नहीं चलता है मैं क्या क्या, ऐसा लगता है मैं एक ही बात आपसे कहती रहती, मुझे पता ही नहीं रहता कि मैं, ऐसा लगता है मैं पूरी दूसरी बात एक ही बार कह दी, लेकिन वीडियो इतना लंबा हो जाएगा ना कि क्या बताऊँ। लेकिन कोई ना दोस्तों, आप मेरे अपने हैं, कोई किसी से अपने ही समझ के ना कुछ कहता है, पर ऐसे तो लोग बात भी नहीं करते जैसे कि मैं हूँ यहाँ पे, तो कोई बात ना दोस्तों। देख सकते हैं इसमें मिर्चा डालूंगी मैं, जितना सब्जी ना उतने हिसाब से, अगर आपको थोड़ा हो तो थोड़े हिसाब से, अगर ज़्यादा हो तो अपने ज़्यादा हिसाब से। दोस्तों मेरा उतना सब्जी है तो मैंने इतना डालूंगी और थोड़ा सा और डालूंगी, ठीक है। अब देख सकते हैं इतना मतलब धनिया पाउडर है, मैं इसको डाल रही हूँ। दोस्तों मेरा सब्ज़ी ज़्यादा, उस हिसाब से थोड़ा धनिया पाउडर डालूंगी, इतना देख लीजिए, ठीक है। और ये हल्दी है दोस्तों, आप सब देख सकते हैं मैं हल्दी इतना डालूंगी, आप सब अपने हिसाब से देख के डाल लीजिएगा। और दोस्तों मैं बता दूँ, इसमें धनिया और मिर्चा और हल्दी है, और मैं इसको इसमें डालूंगी। वैसे दोस्तों जो पानी डाल के डालते हैं, लेकिन मैंने इसे ही डाल दिया, तो कोई ना, अब पानी डालूंगी और मैं नमक अपने हिसाब से डाल दूंगी, ठीक है। जितना मतलब सब्जी है उतना हिसाब से मैं डालूंगी, और इसको चला दूँ और इसमें पानी डालूंगी ताकि जाएंगे। अब क्या करूँगी, अब इसको भी डाल दूँगी, पानी लिया पहले ना तो चल जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें मैं पानी डालूंगी, अभी देख सकते हैं इसमें सारा मसाला मैंने डाल दिया। दोस्तों तो ये मतलब रेडी हो गया, बस इसको मतलब पानी डाल डाल के भूनना है, भूनना है, और भून जाने के बाद अभी ढक दो ताकि इसका मसाला जो है ना ये भून जाएगा। दोस्तों इसमें थोड़ी सी लगी है, तो मैं इसमें क्या करूँगी, थोड़ी पानी डाल के उसको मैं डाल दूँगी, ताकि ये अच्छे से मतलब इसका मसाला है ना वो इसमें आ जाएगा, तो इसको ढक दूँगी। और ये लहसुन है दोस्तों, आप सब देख सकते हैं, इसको मैं कूच के और इसमें डालूंगी, ठीक है। मैं चलो आपको बताती हूँ, ताकि ये इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा लगे, तो आप सब वीडियो में बने रहिए। आप सब देख सकते हैं ये लहसुन है, अब इसको मैं इस पर कूचूँगी, इस पर ऐसा ऐसा करके, ठीक है। हम लोग कोई सब मसाला वसाला करने वाला थोड़ी है दोस्तों, हम लोग गाँव में रहते हैं और गाँव में इसी टाइप का रहता है, ठीक है। तो इसे कूच लूँगी अच्छे से,
आप देख सकते हैं मैंने उसको ये कर लिया। अब इसको क्या करूँगी, और इसको उठा के और इसको सब्जी में डाल दूँगी। आप सब देख सकते हैं दोस्तों, ये लहसुन की कुचा मैंने अब ये सब्जी में डाल दूँगी। दोस्तों आप सबको मैं बता दूँ, इतना तो मतलब इतना हाई फाई तो नहीं बनता है, क्योंकि ये देहात है और जिस टाइप का मतलब जिस जैसा मतलब इधर पे सामान होता है उस हिसाब से मैं मतलब वो करती हूँ, क्योंकि मेन बात तो मैंने कभी बनाई नहीं थी। ठीक है, मतलब मैं अपने मायके में मतलब जब छोटी रहती थी ना तो मैं मम्मी मतलब वैसे करती थी, मम्मी मैं ऐसे बनाऊँगी वैसे मतलब, लेकिन फिर भी उतना मतलब मुझे यहाँ तक कि मुझे रोटी बेलना भी मतलब उतना अच्छा से नहीं आता है। तो कोई नहीं दोस्तों, मुझे यहाँ पर करना पड़ता है, वक्त के हिसाब से सब हो जाता है। तो देख सकते अभी मैं बनाई, अगर आई होप अगर आप सबको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और अभी मैं इसको अभी भून जाया नहीं, इसको भूनते रहूँगी। तो अगर सूख जाएगा तो एक बार और पानी डाल के थोड़ा सा इतना, और फिर इसको भून दूँगी ताकि अच्छे से हो जाए। और जो इतना बड़ा है ना जो दाल का जो उसको सुखाया जाता है बना के, जो अदौड़ी बोलती इधर पे, तो आप लोग को उधर क्या बोलता है दोस्तों, मैं शहर में रहती हूँ लेकिन खाना बनाने के बारे में उतना वो पता नहीं, इसको क्या बोलते मम्मी बनाती तो मम्मी जानती थी, तो इसलिए मुझे इतना आइडिया नहीं, जो जो ऐसे जो जो सामान खाते थे उसका इतना आइडिया रहता था। पर ये भून जा रहा है, अब इसमें क्या, ये दोस्तों आप ये समझ लो कि ये रेडी होगा, इसमें कुछ नहीं करना, बस पानी डाल के इसको वो जो है ना वो जो उसको सिझाना है, बस ये रेडी हो गया। इतना सामान इसमें पड़ता है, अगर हाँ अगर आपके पास गर्म मसाला हो तो डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे पास तो अभी है दोस्तों, लेकिन बाबू का छठियार हुआ ना जब का है, वो 5-7 महीने हो गए तो ख़राब हो गया होगा, तो इसलिए मतलब उसको नहीं डालेंगे क्योंकि अच्छा टेस्ट बिगड़ जाएगा, तो फ़ायदा क्या है ना। अभी लहसुन है उसे फिलहाल मैंने लहसुन डाले, और धनिया पाउडर, मिर्चा पाउडर, हल्दी पाउडर आप सब तो दिखा ही है, और नमक, और शुरू में डाले थे इसमें प्याज, मतलब पहले मिर्चा, उसके बाद तेल, उसके बाद आपके पास जीरा है तो जीरा, उसके बाद मतलब प्याज, और प्याज के बाद पहले जो छोटे छोटे था ना उसको फ्राई करके निकाल लेने के बाद, उसके बाद नेनुआ, और मतलब नेनुआ आलू को मतलब भूज के निकाल लेने का था, मतलब भूज के, और वो जो भूना हुआ था जो अदौरी उसको डाल के, उसके बाद ये मसाला सब डाल के भूज के आप सबको देखा है, पूरी वीडियो देख लीजिए आप सबको समझ आ जाएगा। और दोस्तों मतलब ये समझ लीजिए ये रेडी हो गया है, इसको बस इसको मतलब ये हो जाए ना जब तक इसको इस पर रखना है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, ये देख सकते हैं दोस्तों मैं इसको चला रही हूँ अभी, और ये कुछ इस प्रकार का भी दिख रहा है। तो उसको सबसे मेन बात तो ये बता दो, यहाँ पर तेजा लोग खाते हैं, बाकी आप सब देख लीजिएगा, थोड़ा कम भी मिर्चा डाल सकते हैं, है ना। ओके दोस्तों, देख सकते हैं आप सभी ट्राई कर सकते हैं। अब इसमें क्या करूँगी, मैं पानी डाल के, ठीक है, और इसको ढक दूँगी, और जब तक वो सीज जाएगा उसके बाद इसको मतलब उतार देना, तो उसमें ज़्यादा पानी डालूँगी ताकि ये गोल वाला है ना ये सीजेगा, क्योंकि ये नहीं सीजता रहता है ना, ये बताती हूँ आप सभी को, ये जो बताया ना ये नहीं सीजता रहता जल्दी, तो क्योंकि धूप में सूखा रहता है ना दाल का बनता है, तो धूप में सूखा रहता है। इसमें देखो पानी डाला ताकि ये सूख जाएगा, तो उतार मतलब थोड़ा सा पानी रहेगा इतना सूख जाएगा, मतलब खाने वाला चावल पे खाने वाला होगा जब इसको उतारेंगे। अब इसमें आप तो सब तो समझ ही गए होंगे इसमें क्या क्या करेंगे, अब इसको कुछ नहीं करना, मतलब ये समझ लो ये रेडी है। ठीक है, तो कोई ना दोस्तों, मतलब ये गाँव में और देहात में मतलब इस टाइप का मतलब ये सब्ज़ी बनता है, और शहर में तो मैं खुद बनाई हूँ तो मुझे क्या पता कितना, उधर पे तो मेरी मम्मी बनाती थी तो कुछ अलग ही बनाती थी और कुछ नहीं, लेकिन देहात का भी खाना मतलब अच्छा ही लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं, तो चाहे तो आप सब ट्राई कर लीजिएगा, कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा, मैं तो कहती हूँ। तो दोस्तों आपको पता है मतलब खाती थी मैं उधर का खाना, उधर पर थोड़ी फैसिलिटी होती थी, लेकिन दोस्तों उधर पर मेहनत बहुत है, लेकिन थोड़ी बहुत खाना टेस्टी लगता है, पता नहीं क्यों, मतलब इससे अच्छा मतलब शहर में बनता है, लेकिन ये भी टेस्टी लगता है, लेकिन कोई ना, जितना अच्छा मतलब शहर में मिलता था जितना प्रकार उतना इधर पे नहीं मिल पाता है, लेकिन कोई ना क्या कर सकते हैं।
दोस्तों आप सबको बिलीव नहीं होगा, जब मेरे बाबू था ना मतलब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे पिज़्ज़ा खाने का इतना मन कर रहा था, नहीं महीना बीत गया पर मैंने पिज़्ज़ा खाया ही नहीं कभी। सपना ही हो गया, ऐसे सपने देखते हैं और सुबह उठते देखते जा सपना है, तो इसीलिए सहरी भाई ठीक है मेरे लिए। मेरे लिए क्या ठीक है, मैं तो देहात में रहती, नहीं नहीं सभी के लिए जो शहर में रहते वो कुछ भी खुल के जीते हैं। बता अब देहात में रहता था बंद कमरे, रूम से बाहर तो जा ही नहीं सकते हो, गेट से बाहर मतलब इसी में रहो मरो, इसी में मरो मतलब ऐसा मरने के बाद नहीं, सॉरी दोस्तों मुझे गुस्सा आता है ना अपने आप पे, इसलिए मैं ऐसा बोलती हूँ। मतलब देहात के लोग ना अपने बहू को बाहर नहीं जाने देते हैं, शायद घर में कितना भी उसको प्रॉब्लम दे तो कोई फर्क नहीं, लेकिन बाहर नहीं जाना चाहिए। आए भाई कौन सी दुनिया की रीति रिवाज है, मुझे खुद भाई सबके हक के सब जियो, अच्छे से जियो अपनी लाइफ में है ना, किसी को कोई दबाव नहीं रहना चाहिए, लेकिन कोई ना दोस्तों क्या कर सकते हैं, मजबूरी का नाम इतने बड़े हमारे महात्मा गांधी थे है ना। तो आपसे वीडियो समझो दोस्तों, ये यू समझो ये रेडी हो गया है। आसमानों पे जो खुदा है इस मेरे लिए दुआ है, चांद हर रोज में देखूं तेरा साथ में, गुट्टी मोहब्बत में रंग रही दिल का है। मजरू ने कुछ सजा किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में गुट्टी। तो दोस्तों अब यूँ समझो ये सब चीज़ हो गया, तो दोस्तों बताना कैसे लगे मेरी वीडियो। दोस्तों मैं मानती हूँ आप सबके इतना उतने बड़े नहीं, उतने हाई फाई नहीं, एक दिन मैं भी कभी थी ना अब नहीं हूँ ना, जाने दीजिए कोई नहीं दोस्तों। मेरे तकदीर में जो लिखा रहता है, जिसके तकदीर में वही होता है, तकदीर को तो छोड़ ही दीजिए, कुछ इंसान खुद से भी गलती करती है, जैसे कि मैं हूँ, मैं मानती हूँ कि मैं खुद गलत हूँ, इसलिए गलत हूँ क्योंकि मैं आगे पीछे कुछ नहीं देखा, कैसा है कैसा फैमिली है कैसा घर है कैसा कुछ भी, और मैं इतने दूर के मेरे घर से मेरे हस्बैंड के घर ना एक दिन का रास्ता है, पूरे बस से एक दिन का रास्ता है, आप समझ लीजिए मैं कितने दूर से मैं शादी कर रही हूँ। सिर्फ मेरे हस्बैंड के ना, मैं कुछ कर जाऊँगी तो मुझसे शादी नहीं करूँगी, मैं किसी के ज़िंदगी के लिए अपनी खुद की ज़िंदगी नरक बना ली, लेकिन कोई ना दोस्तों बस आप सब सपोर्ट कीजिए। आप सब मेरे पहले वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो एक्टर्स खुशी राय पर जाइए, उस पर मतलब शादी करने के बाद वो भी चैनल बनाए हैं, लेकिन उस पर पहल का वीडियो डाले हुए हूँ और इस पर भी कहीं होगा, लेकिन इसमें बहुत आगे मिलेगा इसलिए उस पर जाइएगा तो उस पर मिल जाएगा, देख सकते हैं। वैसे भी मुझे बहुत सारे काफ़ी लोग जो पहले के वीडियो देख चुके हैं, मेरे मूवी भी देख चुके हैं और मुझे समझते भी हैं, इसीलिए वो लोग मुझसे इतना प्यार भी करते हैं, और उन लोगों को पता है कि मैं ज़्यादा झूठ नहीं बोलती, जो मेरा रियल है जो, और हाँ मैं दिखावा भी वीडियो नहीं बनाती, जो रियल है वो रियल है, तो इनलिए भी शायद हमारे दोस्त तो मुझे बहुत पसंद करते हैं, तो थैंक यू सो मच आप सब इतना प्यार और सपोर्ट, ऐसे ही इस पगली खुश रहे दोस्तों, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और कितने लोग बोलते हैं कि इसमें क्या है जो ऐसा गिफ्ट भेजते हो ऐसा वैसा, तो कोई ना दोस्तों पता नहीं, देखिए जो भेजते हैं ना पता ही उसका दिल कितना बड़ा है, और मुझे सपोर्ट करते हैं उसका दिल कितना बड़ा है, और जो लोग होते हैं ना जो खुद को तो कुछ कर नहीं सकते, कोई काम धंधा होता नहीं है, किसी की मजबूरी किसकी मेहनत नहीं देखती है और चले जाते हैं किसी के वीडियो में गलत कमेंट करने कुछ भी करने। दोस्तों मैं एक तो ऐसे भी परेशान रहती हूँ और कितना परेशान रहूँगी दोस्तों, तो इसलिए क्या कर सकते हैं, मैं इतना का क्या जवाब दूँ, इसीलिए दोस्तों बस मुझे कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। आप सब अगर आप सब कुछ चाहिए ना तो मैं बोल रही हूँ हाँ मुझे चाहिए, और वो चीज़ चाहिए अपने दिल में छोटी सी जगह दे दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जो लोग गिफ्ट भेजते हैं ना बस उसकी मतलब खुशी है, मैं बोलती हूँ नहीं बस आप सब प्यार कीजिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बोलती खुशी हमारी खुशी है कि मैं आपको गिफ्ट दूँ, तो भेजते हैं तो उनको भी थैंक यू सो मच कि आप सब मुझे इतना प्यार करते और इतना केयर भी करते। दोस्तों आप नहीं पता ये मेरे पैर का भी छेद था ना, ये दोस्तों ये बताओ ये पित्तल का है और ये चांदी का है, एक दिल्ली वाली दीदी ने ये मेरे को भेजी थी, और दोस्तों ये ड्रेस है ना
ये भी एक सिस्टर ने भेजी थी, मतलब दीदी ने, वो बहुत अच्छी है, तो थैंक यू उनको भी और जिसने भेजी उनको भी। और आप लोग बस ये सब तो आपकी खुशी है तो भेजिए, लेकिन मुझे आप सबसे कुछ चाहिए, तो उस पर बहुत से लोग हैं जो साड़ी चूड़ी लिपस्टिक बहुत कुछ हमारे लिए भेजिए। मेरे बच्चे के लिए बहुत सारे कपड़े मतलब आते हैं, मतलब मेरे बच्चे के तो छोटे छोटे बंडी उंडी ऐसे तो 10 बंडी हो गया है और 5 कपड़ा है ऐसा, तो मेरे बच्चे भी है जो उसको पहनाते हैं। और आप लोग भी है हमसे इतना प्यार करते, तो सभी दोस्तों को बोलना चाह रही हूँ यहाँ से दिल से थैंक यू। मुझे पता नहीं है कि आप लोग इतने महान हो, इतने ग्रेट हो, इतने अच्छे अच्छे लोग अभी भी इस धरती पे है, शायद इसी की वजह से शायद ये धरती चल रही है। और इतने कहीं ना कहीं गलती हो रही तो कहीं ना कहीं लोग तरक्की भी बहुत करते हैं, तो बस वो आप भगवान जी का देन है, आशीर्वाद है और आप सबका देन है, मतलब भगवान जी का आशीर्वाद और आप सबका देन है, प्यार है, सपोर्ट है, मेरे लिए इतने काफ़ी है। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, लव यू। देखते हैं मेरी सब्जी भी एक बार चला के देख लूँ दोस्तों, अब ये यूँ समझो ये हो ही गया है, ये देख सकते हैं। अब ये देख सकते हो दोस्तों मेरा सब्जी अब रेडी हो गया है, इसको एक बार ढक देंगे, थोड़ा सा और सूख जाएगा तब इसको उतार देंगे। तो समझ लीजिए सब्जी ये मेरा रेडी हो गया है। अगर आप सबको अच्छा लगे दोस्तों तो अपनी खुशी दोस्त का सब्जी भी ट्राई कर सकते हैं बना के, है ना। तो दोस्तों वीडियो में इतने देर बने रहने के लिए थैंक यू, लव यू, ऐसे ही दिल से थैंक यू दोस्तों, क्योंकि आप सबसे ना मुझे, अगर आप सब मुझे प्यार करते ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे दोस्त, आपको पता है मैं देखती हूँ आज मेरे इतने दोस्त मुझे देखे, इस वीडियो के इतने दोस्त मुझे देखे होंगे ना, शायद मेरी बात तो सुन पाए होंगे, मुझे अच्छा लगता है दोस्तों सच पूछूँ तो। मैं कहीं भी मैं देखती हूँ ना तो मैं अकेले में हंसने लगती, खुश हो जाती, इतना लाइक आता है ना, तो मैं बोलती ओ मम्मी कितने प्यारे, इतने कितने प्यारे प्यारे आईफोन से, कितने अच्छे अच्छे फ़ोन से मुझे एक लाइक दिए होंगे, एक फ़ोन से एक लाइक होता है तो मुझे बहुत सुकून मिलती है दोस्तों, मुझे कुछ नहीं चाहिए ना। तो आप सब मुझे इतनी छोटी सी दिल में अपनी जगह दे दीजिए, और इतने मेरे लिए बहुत बहुत, शायद मैं बहुत बदनसीब थी, जो मैंने बहुत लोग है जो लव मैरिज करके खुश हुए, शायद मैं बहुत बदनसीब थी जो मैंने लव मैरिज की, मुझे लव मैरिज करना ही नहीं चाहिए था, करती लेकिन मैं कुछ बन जाती अपने लाइफ में, कुछ हो जाती इसी से करती, लेकिन कुछ बन जाती तब, ऐसे नहीं करना चाहिए, मैं मानती मेरी गलती है, लेकिन कोई नहीं, अब गलती हो गई तो अब सुधारना क्या कर सकते, बदल तो नहीं सकते लेकिन थोड़ा अच्छा कर सकते अगर आप सबका सपोर्ट रहा तो। तो बस तब तक के लिए इतना ही, और ये सब्जी मेरा हो गया है दोस्तों, और आप सबसे बात करते करते पता नहीं चलता कितना दोस्तों ये वीडियो बहुत बहुत देर का हो गया, आधे घंटे का हो, मम्मी पता नहीं मेरे दोस्तों, प्लीज़ आप सब वो मत होइएगा। और तब तक के लिए ओके, बाय, लव यू, मेरी वीडियो में इतने देर बने रहने के लिए धन्यवाद, लव यू, अपना प्यार सपोर्ट इस पगली खुशी राय पे ऐसे ही बनाए रखना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों के दिल में इतनी सी जरा चाहिए मेरे दोस्तों के लिए। ओके, तब तक के लिए ओके, बाय, लव यू, धन्यवाद। इसे माया कर दो दोस्तों, ये अभी आया है, ठीक है, ये बाहर थे, माया कर दो सभी को, अपने चाची चाचू सभी को माया करो, मौसी उसी जितने भी देख रहे, मामू इधर देखो, इधर देखो ना दोस्तों, ये माचिस लेने के लिए जा रहे थे। ओके दोस्तों, लव यू, धन्यवाद, अपना प्यार सपोर्ट ऐसे बना, तब तक के लिए आपकी खुशी, ओके, बाय, लव यू, धन्यवाद।